हेलो एवरीवन, आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2020 में लिटरेचर के फील्ड में नोबेल प्राइज किसे दिया जा रहा है, यानी साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2020 में किसे दिया जाएगा। तो चलो देखते हैं। आपको बता दें कि आज साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला नोबेल प्राइज अनाउंस कर दिया गया है। इसमें अमेरिका के लुईस ग्लूक को साहित्य का नोबेल प्राइज 2020 में दिया जाएगा। जी हाँ, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2020 ये दिया जा रहा है अमेरिका की लुईस ग्लूक। चलो इनके बारे में अब हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो इनके बारे में अगर कहें तो इन्हें ये अवार्ड इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इनकी बहुत ही इनक्रेडिबल पोएटिक वॉइस के लिए, यानी इनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए इन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है, जो आवाज़ इन्हें बाकी दूसरे पोइट से अलग बनाती है। और इनके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं, लुईस जो हैं वो येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं, यानी येल यूनिवर्सिटी में ये इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, और उनका जन्म 1943 में न्यूयॉर्क में हुआ था। और एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट अगर आपको बताऊँ तो वर्ष 1901 से शुरू हुए नोबेल पुरस्कार के 119 साल के इतिहास में दो बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्थगित किया जा चुका है, यानी टू टाइम्स ऐसा हुआ है कि ये लिटरेचर का जो है नोबेल प्राइज़ किसी को नहीं दिया गया। तो ये कब हुआ है? एक तो हुआ है 1943 में, एक हुआ है 2018 में। ये दोनों ही साल इसको कैंसिल कर दिया गया था। ओके?